धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में जहां ब्रह्मसरोवर पर लगे सरस मेले में करीब 700 दुकानों पर प्रतिदिन हजारों लोगों की भीड़ खरीदारी करने के लिए उमड़ रही है, वहीं गीता महोत्सव के दौरान मेला ग्राउंड में लगे हरियाणा फन फेयर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग मेले में लगे अनेक तरह के झूलों पर झूला झूलने के लिए पहुंच रहे हैं। मेला ग्राउंड में क्वेंचर वाटर पार्क के सौजन्य से हरियाणा फन फेयर का आयोजन किया गया है। ये मेला 6 दिसंबर तक चलेगा। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक हजारों की संख्या में लोग हरियाणा फन फेयर में लगे रेंजर, ज्वाइंट व्हील, डायनासोर नाव, ब्रेक डांस, ड्रैगन, चांद तारा, मौत का कुआं और भी असंख्य झूलों का आनंद लेने के लिए इस मेले में पहुंच रहे हैं। मेला संचालकों का कहना है कि मेले में हजारों की संख्या में बच्चे, विद्यार्थी, युवा, महिलाएं और पुरुष झूला झूलने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा फेयर में पहुंचने वाले लोगों की सुविधा हेतु अनेक प्रकार की दुकानें भी मेले में लगाई गई हैं, जहां लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। वहीं मेले में घूमने आए और झूलों का आनंद लेने आए लोगों ने भी हरियाणा फन फेयर की जमकर तारीफ की है। ऐसे में अगर आप भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में घूमने के लिए आ रहे हैं तो हरियाणा फन फेयर में अवश्य पहुंचें। यहां आपके मनोरंजन और खरीदारी के लिए एक से बढ़कर एक आकर्षक दुकानें और झूले आपका इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं खबरनामा न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इस मेले में आके हमारे इस मेले की रौनक बढ़ाई और कुछ न्यूज़ की अपडेट्स लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और मैं जो सेकेंड चीज़ बताना चाहूँगा कि खबरनामा जो इस बड़े प्लेटफॉर्म से कि गीता जयंती महोत्सव में ये हमने कॉन्टैक्ट लिया हुआ है एम्यूजमेंट पार्क का, और मैं करनाल वासियों से, कुरुक्षेत्रा वासियों से, अम्बाला, हरियाणा के सभी स्टेट से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गीता जयंती महोत्सव में ज़रूर आएँ एक बार, और ड्राई राइड्स एरिया में भी ज़रूर आएँ और आके यहाँ पे देखें। काफ़ी इन्जॉयमेंट बना हुआ लोगों का, बच्चों के साथ आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ, अपने यार दोस्त के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ, और खरीदारी भी हमारे पास, झूले भी है, अम्यूज़मेंट पार्क भी है, खाने पीने की स्टॉल्स भी हैं। तो मैं ऑल हरियाणा से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार गीता जयंती महोत्सव में ज़रूर आएँ, और गीता महोत्सव जो मैं ज़रूर आएँ, उसके बाद फिर आप ड्राई राइड्स एरिया में ज़रूर आएँ। उससे आपके बच्चों का उत्साह भी बढ़ेगा और आप बच्चों को इन्जॉय भी करा पाएंगे और इसी के साथ मस्ती भी हो पाएगी। सो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी जी, हमारे पास सर ऑल टाइप के झूले हैं और काफ़ी हमने अलग अलग शहरों से मंगा रखे हैं, टाइप ऑफ कुछ अहमदाबाद से, कुछ गुजरात से आए हैं, कुछ यूपी से आए हुए हैं, कुछ पंजाब से आए हुए हैं। तो वैरायटीज़ बहुत है हमारे पास, नियर अबाउट 25 से 30 वैरायटीज़ है, छोटे की और बड़े की। तो मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट है ये एम्यूजमेंट पार्क जो गीता जयंती महोत्सव में हमने लगाया हुआ है, और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, सुंदर माहौल है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर आए। राजेश कुमार, कुरुक्षेत्र से, गांव बेंड बैंड से आया हूं, और मैंने यहां पर बहुत अच्छा लगा, घूमा हूं और मैंने सारे उसमें इंजॉय किया, और गीता जयंती बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर इंजॉय, साफ सफाई का भी ध्यान है और सब बढ़िया तरीके से जो भी इंजॉय कर रहे हैं सभी अच्छे से कर रहे हैं। पब्लिक को मैसेज दूंगा, हमारे पूरे इंडिया से कोई भी हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में आता है तो आए और गीता जयंती में अपना एंजॉय करे और मस्ती करे। आई एम ऑल्सो फ्रॉम कुरुक्षेत्र एंड आई एम ऑल्सो वेरी इंजॉय इन दिस गीता जयंती बिकॉज इट्स आवर स्पिरिचुअल एंड वी आर इंजॉइंग वेरी मच इन दिस एंड द वेरी ब्यूटिफुल एंड we can say that you are also enjoy come here in गीता जयंती। मैं हम यहीं से आए हैं घूमने के लिए गीता जयंती में, बहुत enjoy कर रहे हैं, बच्चों के साथ आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। नमस्कार, हम चंडीगढ़ से आए हैं, स्पेशल अपने हरियाणा की मतलब एक शान है गीता जयंती, उसको देखने हम हर साल आते हैं और इस बार भी आए हैं, और यहाँ पे आके जो अपनी भारतीय संस्कृति का हमें पता लगता है उसके लिए हमें मतलब बहुत खुशी होती है कि हमारी भारत में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए हैं। और ये तो महाभारत का यहाँ तो युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र तो एक तीर्थ स्थान ही है। मैं हर बार आते हैं,
हर साल आते हैं। हाँ जी, झूले बच्चों ने लिए, हमें तो डर लगता है। सभी देशवासियों से, भारत के सभी लोगों से कहूँगी कि कुरुक्षेत्र आके एक बार गीता जयंती महोत्सव का एंजॉय जरूर लें, आनंद जरूर लें। जो यहाँ पे आके दिल को सुकून मिलता है कि मतलब बड़े बड़े महायुद्ध यहाँ पे हुए हैं, तो आके एक बार ज़रूर देखें। सभी देशवासियों से अनुरोध है, धन्यवाद। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, माय नेम इज मयंक। I very much enjoyed here. There is a lot of cleanliness here. I enjoyed the swings. Although I have a fear of swings, of height, but yes, I enjoyed it very much. Although मैं अम्बाला से आई हूँ यहाँ स्पेशल कुरुक्षेत्र गीता जयंती देखने, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करी हैं। यहाँ पे स्विंग्स भी लिए हैं मैंने, बहुत अच्छे झूले हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगा यहाँ पे घूम के।